हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वाति साउथ किचन। आज देखेंगे बची हुई रोटी से एकदम न्यू रेसिपी और बहुत ही हेल्दी रेसिपी। इस रेसिपी को आप ज़रूर देखिएगा। अक्सर हमारे घर में एक दो रोटी कैसे भी हमेशा बची जाता है, तो उस रोटी को कुछ करें ऐसे सोचते हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। ज़रूर इस रेसिपी आपको पसंद आएगी और इसके साथ कॉम्बिनेशन में एक चटपटी चटनी का भी रेसिपी शेयर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी। इस रेसिपी को बनाने के लिए देखिए, मेरे पास इस तरह 10 रोटियां हैं। अगर आप कम रोटियां यूज कर रहे हैं तो जो मैं चीज़ें डाल रही हूँ उसको आप आधा आधा करके डालना है। तो इस तरह मैं रोटी को सारे छोटे छोटे टुकड़ा करके इस तरह मैंने मिक्सी जार में डाल देती हूँ। आधा रोटी को मैं डाल दूँगी, 5-6 रोटी को इस तरह डाल दूँगी। अभी 1 कप मैंने दही डाल दूँगी। दही जो है मैंने फ्रेश दही यूज किया है यहाँ पर, और थोड़ी सी पानी डाल के यहाँ पर एकदम फाइन हमें इस तरह ब्लेंड कर देंगे। देखिए इस तरह स्मूथ पेस्ट एक रेडी करेंगे और एक बाउल में डाल देंगे। और दही जो यूज कर रहे हैं अब दही एकदम फ्रेश होना चाहिए, ज़्यादा खट्टा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगी। और साथ ही जो बची हुई रोटी था आधा, उसको भी तोड़ के डाल देंगे। और सूजी डालेंगे आधी कप डाल के, थोड़ी सी पानी डाल के इसको भी हमें फाइन ब्लेंड कर देना है। इस तरह हमें सूजी ब्लेंड कर देने से हमारा जो पैन केक है एकदम स्मूथ बन के रेडी हो जाएगी। इसमें मिक्सी जार में आधी बचा के रखेंगे। साथ ही यहाँ पर पालक जो है इसको 100 ग्राम लिया है मैंने, और इसको अच्छे से साफ करके धो के इसमें डाल देंगे मिक्सी जार में, और थोड़ा सा बिल्कुल पानी डालेंगे और इसको भी अच्छे से फाइन ब्लेंड कर देंगे। और उसी बाउल में डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इसमें कितना अच्छा प्यारा सा कलर आया है। साथ ही यहाँ पर एक ऑनियन और एक शिमला मिर्च और 8 से 9 आलू को मैंने बॉईल कर दी करके इस तरह मैंने मैश करके डाल दे रही हूँ। मेरे यहाँ पर बहुत छोटे छोटे आलू लिए हैं मेरे पास, तो आप मीडियम साइज के लेंगे तो 2 आलू ले सकते हैं। और 1 इंच के अदरक के टुकड़े, 1 हरी मिर्च और 7 से 8 लहसुन की कलियाँ लेंगे और इसको अच्छे से कूट लेंगे। इस तरह दर दरा सा कूट के 1 चम्मच करीब मैंने डाल दूंगी, और धनिया डाल देंगे। साथ ही यहाँ पर नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और 1 टीस्पून हमें मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून हमें आमचूर पाउडर लिए हैं, और 1 टीस्पून हम धनिया को इस तरह हाथ से रगड़ के हम इसमें डाल देंगे। अगर आपका दही खट्टा है, जो जब हम डाले थे वो दही खट्टा होगा, तो यहाँ पर आमचूर पाउडर को आप स्किप कर सकते हैं। मेरा प्रेस दही ली थी इसीलिए मैंने आमचूर पाउडर डाली हूँ। और इसको थोड़ा रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, तब तक हमें यहाँ पर चटनी बनाना है। चटनी बनाने के लिए 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, 1/2 टीस्पून जीरा और 4 रेड चिली डाल के इसको फ्राई करेंगे, जैसे अच्छे से भून ले। उसके बाद एक ऑनियन्स को कट करके डाल देंगे, लहसुन डाल देंगे और कड़ी पत्ता डाल देंगे। इस तरह अच्छे से भूनने के बाद हमें 7 से 8 टमाटर मैंने इस तरह कट करके डाल दिया है, और इसको थोड़ा सा मिला के हमें ढक के रख देंगे कुक होने के लिए 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद हमें इस तरह निकाल के मिक्स कर लेंगे। और इस यहाँ पर कश्मीरी चिल्ली पाउडर डाल दे रही हूँ 1 टीस्पून, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दे रही हूँ। कश्मीरी चिल्ली पाउडर यहाँ पर कलर आएगी, बिल्कुल तीखा नहीं करेगी। फिर से एक बार ढक देंगे, 2 मिनट के लिए पकाएंगे। इस तरह हमारा चटनी जो है बिल्कुल रेडी है। अभी हम गैस बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे, उसके बाद हमें इसका पेस्ट रेडी करेंगे। दूसरी तरफ हमें इस पैन के ऊपर इस तरह थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, फिर साथ ही यहाँ पर देखिए तिल डालेंगे मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून, और थोड़ी सी कड़ी पत्ता डाल देंगे। और इस बैटर को हमें 2 चम्मच बैटर इस तरह हमें डाल देना है। ये देख सकते हैं मैंने कैसे डाल रही हूँ, इस तरह एक ही जगह में डालना है और थोड़ा सा चम्मच की मदद से इस तरह सेट कर देंगे। ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, थोड़ा मोटा में ही रखेंगे। इस तरह देखिए मैं कितना रखा है, उतना ही मोटे में रखना है। जब तक ये पक रहा है, अगर मेरी इस रेसिपी आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम में ही रखना है। रख के इसको ढक देंगे और 2 मिनट इसको कुक होने देंगे। 2 मिनट के बाद आप चेक करेंगे, देखिए इस तरह ऊपर जो है इसका जो जितना मॉइस्चर है ये ख़त्म हो गया होगा। इस तरह जब दिखे तब हमें इसको धीरे से पलट देंगे। इस तरह देखिए कितना सुंदर लग रहा है, एकदम काफ़ी स्मूथ बना है ये बैटर, और बिना हमें इनो सोडा के ही इतना स्मूथ बैटर बना है। और इस तरह देखिए 2 मिनट दूसरे तरफ भी अच्छे से पका लेंगे, फिर इसको और निकाल देंगे। फिर से हमें वही प्रोसेस से हमें और थोड़ा सा तेल डालेंगे और थोड़ी सी तिल डालेंगे, कड़ी पत्ता डाल के इस तरह बैटर को 2 चम्मच डालेंगे और थोड़ा सा इस तरह करेंगे। हमारा बैटर बहुत ही फूला हुआ है, इसलिए आप बहुत पतला करेंगे तो टूट सकता है। हमारा पैन केक थोड़ा मोटा में ही रहना चाहिए। इस तरह हमें सारे पैन केक को रेडी कर लेंगे,
और बहुत ही मज़ेदार से ये रेडी हो चुका है। आपको मैं दिखाती हूँ कितना सुंदर, ये कितना पतला, एकदम स्मूथ बन के रेडी हुआ है फ्रेंड्स। बस आपको एक ही ध्यान रखना है, अगर आपका 5-6 रोटियाँ कम रोटियाँ है तो मैं जो इंग्रेडिएंट डाली हूँ उसका आधा आधा आपको यूज करना है, बस हम आपका रेडी हो जाएगा। बहुत ही स्मूथ बना है ये, आलू डाले हैं इसमें इसलिए और भी काफ़ी ये स्मूथ और फ्लॉपी हुआ है। साथ ही यहाँ पर मैंने चटनी को भी रेडी कर दिया है, ठंडा होने के बाद मैंने इसका पीस लिया है इस तरह, और इसका तड़का वगैरह मैंने कुछ लगा रही हूँ, ये ऐसे ही मोमोज की चटनी के जैसे ही ऐसे ही लगेगा। तो ये था आज की रेसिपी, कैसे लगा आज की रेसिपी? अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक अगली नई रेसिपी।